हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका? सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चा पार्टी, आज करेंगे हम एक नई शुरुआत, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो तो ये रहेगा BSc 5th सेम। थंबनेल आप देख चुके हैं क्या हमारा टॉपिक है और क्या कुछ हम स्टडी करेंगे। तो बच्चा पार्टी, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और कार्बोहाइड्रेट हम खत्म कर चुके हैं, NMR भी अब वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट में एक दो वीडियो बचती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही एग्जाम ओरिएंटेड है, लेकिन फिर भी हम वो वीडियो लेकर आएंगे। तो बच्चा पार्टी, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो मेरे बच्चा पार्टी, आज का हमारा टॉपिक होगा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी कि बच्चा पार्टी, एक सेकंड मेरे बच्चा, ये लो, अब अच्छे से विजिबल है। तो मेरे बच्चा पार्टी, जो ट्रांजिशन मेटल के हमारे कॉम्प्लेक्स हो गए, यानी कि बच्चा पार्टी, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो वहां पर मेटल हमारे डी ब्लॉक की काम करेगी, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है एज ए मेटल वर्क करेंगे, और जो लिगेंड जो उसके साथ ऐड होगा, और नेगेटिव चार्ज वाला या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो भी उसके पास होगा, वो वर्क करेगा हमारा लिगेंड की तरह। तो मेरे बच्चा पार्टी, वहां पर कैसी बॉन्डिंग होगी? अब इतने सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे बनाए जा चुके हैं, तो वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हम BSc 3rd सेम में हम करेंगे, तो हम वहां पर डिस्कस करेंगे, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूंगा, जहां से हमारा चैप्टर शुरू भी होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर मैं उनकी बात करूंगा, तो वहां पर हमने वर्नर थ्योरी सुनी होगी। और बच्चा पार्टी, एट एन प्रेजेंट आप VBT पढ़कर आए, वेलेस बर्ड थ्योरी, पीपीटी के बच्चों, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, चपाटी वीडियो आपको अच्छे से विजिबल है। अब चपाटी में VBT की बात करूंगा, तो ये होगी हमारी वैलेंस। अब मुझे ये बताओ, वैलेंस बॉन्ड होता है या वैलेंस बैंड होता है, क्या बोलोगे? ये चीज आप सोचिए, फिर मैं आगे चलता हूं। क्या होगा, सोच लिया? तो देखो क्या सोचा होगा, टॉपिक है। आप 3rd सेट या 4th सेट के अंदर स्टडी कर कर आए हैं, क्योंकि अब आप 5th सेट पे हैं, तो ये चीज आप पढ़ चुके हैं, प्लस टू के अंदर भी आपने स्टडी की है। आज बेटा हम स्टडी करेंगे VBT के सारे पोस्टुलेट। अगर वो पोस्टुलेट हमें पता लग गए, तो हम इसकी लिमिटेशन की तरफ जाएंगे, और लिमिटेशन से स्टार्ट होगा हमारा ये चैप्टर। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दो एग्जाम में पीछे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसी इसके एप्लीकेशन पार्ट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। मेरे बच्चा पार्टी, आज का जो टॉपिक है वो हमारा पोस्टुलेट करना है VBT का, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ताकि बैंड थ्योरी सॉलिड कंपाउंड के अंदर हम स्टडी करेंगे, वैलेंस बैंड थ्योरी। अब बॉन्ड है, ये दिमाग में रखना, बॉन्ड और बैंड का फर्क होता है। बैंड का जब यूज करोगे, तो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इनकी आप बात करोगे, लेकिन अब बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे हो। मेरे बच्चा पार्टी, जुड़ जाइए साथ में, नोटबुक अपने निकाल लीजिए, और हम स्टार्ट करते हैं इसके पोस्टुलेट। इसके आप ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, कुछ भी बच्चा पार्टी आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे बच्चा पार्टी, कुछ 10 पोस्टुलेट है इसके, 9 या 10, हम सारे के सारे स्टडी करेंगे। उससे पहले बच्चा पार्टी, वीडियो को अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, और नोटबुक निकाल लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। तो बच्चा पार्टी, अगर मैं पहले पोस्टुलेट की बात करूंगा, तो पहला पोस्टुलेट मेरा ये कहता है, जो सेंटर में एटम होगा, मैं पहले पोस्टुलेट लिख रहा हूं, एक बार एक नंबर बच्चा पार्टी साइड में हो जाऊंगा, ताकि आप लिख सको। जो सेंटर में एटम होगा इन दी, सेंटर एटम कहां पर होगा मेरे बच्चा पार्टी? सेंटर एटम होगा हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, ठीक है? जो सेंटर एटम हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, तो प्रोवाइड करेगा जो हमारा
यानी जो मेटल होगी वो हमें प्रोवाइड करेगी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या प्रोवाइड करेगी, ए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, ए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, बहुत सारे खाली ऑर्बिटल, क्योंकि डी ब्लॉक में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर कर आए हैं, वहां पर आपने देखा है 3D1, 3D2, 3D3, इस टाइप के एलिमेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिल होते हैं, 3D1 से लेकर 3D10 जो हमारी पहली सीरीज होती है। वहां पर आपने देखा है सेंट्रल एटम, अगर मैं यहाँ पर आयरन की बात करूँ, क्रोमियम की बात करूँ, मैगनीज की बात करूँ, तो अभी क्या देती है, बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल देती है जो किसके इक्वल होते हैं, इक्वल टू वही हमें बताएंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा या ऑक्टाहेड्रल बनेगा, यानी कि सी एल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा या 4 होगा। तो ये था बच्चा हमारा पहला पोस्टुलेट, अब आगे सकते हो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या है बच्चों, पहला जो हमारा सेंट्रल एटम होगा वो हमें क्या देगा, बहुत सारे एप्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, जो खाली ऑर्बिटल होंगे वो किसके बराबर होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने खाली ऑर्बिटल होंगे वहां पर कितने लिगेंड आकर बोन्ड बना सकते हैं। ये था हमारा पहला पोस्टुलेट बीबीटी का, मैं सारे के सारे एक्सप्लेन करता रहूंगा जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, अभी इतना याद रखना है जो हमारी सेंट्रल एटम होगी, जो मेटल होगी, उसके जो ऑर्बिटल होंगे वो हमें खाली मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, ताकि हम वहां पर किसको ऐड कर सके, लिगेंड को ऐड कर सके, और वो जितने खाली ऑर्बिटल होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने वहां पर लिगेंड ऐड हो सकते हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी, ये था हमारा पहला पॉइंट, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ मेरे बच्चा पार्टी सेकंड पॉइंट की तरफ, ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे लिगेंड होंगे, अगर बाहर लिगेंड की बात करूंगा, उसके पास जरूर होना चाहिए, जितने भी हमारे लिगेंड होंगे वो मस्ट कंटेन ए लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बच्चा पार्टी बॉन्ड बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी, इलेक्ट्रॉन की, अब लॉन्ग पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 हो गए, क्योंकि ऑर्बिटल हमें कैसे मिले थे, ऑर्बिटल हमें कैसे मिले, एम्प्टी खाली ऑर्बिटल मिले, तो लिगेंड क्या करेगा, वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, मेटल को, तो लिगेंड है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके, ठीक है। तो यहां पर बच्चों बॉन्डिंग कैसी होगी, जो हमारा लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अपना लोन पे डोनेट करेगा, कौन, लिगेंड है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पहले 2 पॉइंट हमारे यही है, एक तरीके से इसलिए इनको समझना पड़ा, जो लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके लिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड बनेगा, ये हमारा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा बच्चा पार्टी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये थे बच्चों हमारे पहले 2 पॉइंट, आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं दोबारा बता देता हूँ, सेंट्रल मेटल होगी जिसके पास बहुत सारे खाली डी ऑर्बिटल होंगे, वो खाली डी ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगी, 4 है या 6 है, तो क्या बताएगा कि वहां पर कितने लिगेंड आकर बॉन्ड बना सकते हैं, और जितने भी हमारे लिगेंड होंगे उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऐसे बच्चों क्या बनाएगा, जो जिसने अपने लोन पेयर थे वो मेटल को डोनेट कर दिया, ताकि कैसा बॉन्ड बना सके मेरे बच्चा पार्टी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, ठीक है। अब मेरे बच्चा पार्टी में बात करूंगा हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी हो सकती है, बच्चा मेरे पार्टी दो तरीके की हो सकती है, D2 SP3, यानी कि बच्चा पार्टी यहां पर क्या है, डी के 2 ऑर्बिटल यूज हो, एस का 1 ऑर्बिटल यूज हो, और पी के यहां पर कितने ऑर्बिटल यूज होंगे, 3 ऑर्बिटल यूज होंगे। इसके अलावा बच्चों क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि D2 बच्चों बाहर का यूज हो जाए, क्योंकि यहां पर
या तो कोटेश्वर पर 600 करेगा या 400 करेगा, पास भी किसी केस में करता है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल नहीं होते। एक तो है वो हम करेंगे, ठीक है, या तो डी टू एसपी हो सकता है जब डी ऑर्बिटल हमारा अंदर की तरफ का यूज हो, जब डी ऑर्बिटल बाहर वाला यूज होगा तो डी ऑर्बिटल बाहर जाएगा, एसपी थ्री डी टू। सेवन बच्चा पार्टी क्या हो सकता है, एसपी थ्री भी हो सकता है या डी एसपी टू भी हो सकता है। तो बच्चा ऐसी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, चार है बहुत इंपोर्टेंट है, डी टू एसपी थ्री, एसपी थ्री डी टू या एसपी थ्री डी भी हो सकता है मेरे बच्चा पार्टी। अगर पास के केस की अगर बात करोगे तो ये लीजिए, तो बच्चों इस तरीके से क्या है हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है यहां पर। अब हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप पॉइंट लिखना चाहो तो आप लिखोगे, अगर आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर पता लग जाता है मेटल कॉम्प्लेक्स में, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन अगर मुझसे हमें क्या पता लग जाए, इफ वी नो द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका नंबर पता लग जाए, इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर पता लग जाता है मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर, देन वी प्रिडिक्ट होता है, प्रिडिक्ट, देन वी प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री, या तो सेप आप कह सकते हो, ज्योमेट्री या सेप ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर आपको जो गिवन कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर पता लग जाता है तो आप उसकी ज्योमेट्री है से बता सकते हो, जो आपको दिया गया कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, वो ऑक्टाहेड्रन होगा या टेट्राहेड्रन होगा। तो मेरे बच्चा पार्टी मैंने सीधे सीधे पॉइंट लिख दिया आपके लिए, अब देखिए मेरे बच्चा पार्टी, अब ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो बोन फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन विच बोन टेक पार्ट इन बोन फॉर्मेशन, दोनों टेक पार्ट इन बोन फॉर्मेशन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे ऑक्यूपाई द इनर डी ऑर्बिटल, एक सेकंड बच्चा पार्टी, इनर डी ऑर्बिटल हाँ विजिबल है। तो मेरे बच्चा पार्टी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, दोनों टेक पार्ट इन बोन फॉर्मेशन, वो कहां पर जाएंगे, वो जाएंगे इनर डी ऑर्बिटल पे। अब मेरी बात देखो तो ये जो ये वाले बच्चों मैंने लिखे थे, मैंने कहा था ये इनर वाले डी ऑर्बिटल है, लेकिन ये वो है जो बोन फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, तब ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट होते हैं। यहाँ पे लोन पेयर का कोई चक्कर नहीं बचेगा क्योंकि लोन पेयर लिगेंड के पास है, लिगेंड मैटर को डोनेट करेगी। तो यहाँ पर बच्चा जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही मेटल के अंदर प्रेजेंट थे, या तो पेयरिंग में होंगे या वो अनपेयर्ड होंगे, जिन्होंने बोन फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं किया, इसको पूरा का पूरा एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, कोई हाफ फिल नहीं चाहिए, ये बात दिमाग में रखना। ये नेक्स्ट वीडियो में जब एप्लीकेशन करेंगे ना और क्लियरली समझ में आ जाएगा, अभी पॉइंट को समझना जरूरी है। पांचों पॉइंट की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जहां पर हम इसका एप्लीकेशन पार्ट में साथ यूज करेंगे। वो चाहिए हमारे पहले पांच पॉइंट है, को बच्चा नोट कर लीजिए। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, अभी दो पॉइंट और बचते हैं, मैं और लिखता हूं, करा तो चुका हूं लेकिन फिर भी लिखना अच्छा रहेगा। ठीक है एक बार बच्चा पार्टी आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए बच्चा पार्टी, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर बात करूंगा, बच्चा पार्टी पॉइंट का इंपोर्टेंट है क्योंकि पहले पांच पॉइंट थे, उन्हीं से आगे वाले पॉइंट निकलते हैं, मैं जो एक दो याद रखने का वो आपको बता देता हूँ, वो मैं इतने जरूरी भी नहीं है। ठीक है अब अच्छा
हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, जैसे डी ऑर्बिटल का यहाँ पे यूज हो रहा है ना, तो डी ऑर्बिटल या तो अंदर वाला यूज होगा या बाहर वाला। अब है क्या, तो डी ऑर्बिटल है तो टेक पार्ट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, टेक पार्ट करेगा किस में बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन में। जो हमारा डी ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेक पार्ट करेगा। अब वो जब टेक पार्ट करेगा तो दो चांस हो सकते हैं, या तो इधर डी ऑर्बिटल होगा या मेरे बच्चा पार्टी कैसा होगा, आउटर डी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अभी मैं आपको यहां पर सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये अगर मैंने यही बता दिया तो आगे आने वाले वीडियो में सारा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। जो मजा आगे आने वाली वीडियो में है वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे बच्चा पार्टी जब अंदर वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा तो हमारे कौन से होंगे, इस टाइप के बच्चों D2sp3 क्या मेरे बच्चा पार्टी DSP2। ठीक है, और बच्चा पार्टी जब बाहर वाला आउटर यूज होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, ये कुछ ऐसा होगा। जब डी अंदर की तरफ लिखा जाए, पहले डी लिखा जाए तो वो इंटर, और जब डी बाद में लिखा जाए, लास्ट में लिखा जाए तो हमारा आउटर। तो ये था बच्चों हमारा सिक्स पॉइंट, जहां पर हमने बात की इनर फील्ड की और आउटर फील्ड की। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक है, तो ये थे बच्चा पार्टी हमारे VBT के पोस्टुलेट। तो ये हमारी बेसिक वीडियो थी, ये आप सारी चीजें पढ़ के आए, वहां पर सरप्राइज करना था क्या कुछ है। बच्चा जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट आएगा वहां पर हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन की, कुछ 7 या 8 एग्जाम्पल है, मैं आपको बच्चा 2 या 3 एक ही वीडियो में कराने की कोशिश करूंगा। वो आपने कर रखे हैं, मुझे कराने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सीधा एप्लीकेशन पार्ट उठाऊंगा, सीधा एग्जाम्पल यहाँ पर कराऊंगा, और 8-9 एग्जाम्पल है हम करेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो एक वीडियो में बच्चों में मैक्सिमम एग्जाम्पल करवाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चा पार्टी का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और बच्चा कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट ही मान के चलो डाइसेक्राइड तक हम कर चुके हैं, पॉलीसेक्राइड में मैक्सिमम मेरे बच्चा 2 या 3 वीडियो मैक्सिमम है, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं करवा दूंगा वहां पर। NMR भी वीक में हमारी 2 या 3 लेक्चर NMR के आते रहेंगे, ताकि आप NMR में ज्यादा कन्फ्यूज ना हो, उसको हम बिल्कुल PR से करेंगे। इनऑर्गेनिक का बच्चों कोर्स चल चुका है, इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर है, वो छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी कवर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर रेगुलर वीडियो का हमारा शेड्यूल रहा तो मेरे बच्चा पार्टी नवंबर या बच्चों दिसंबर 15 तक हम इसको खत्म कर लेंगे, इनऑर्गेनिक को, इससे ज्यादा नहीं है इनऑर्गेनिक। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और तब तक बच्चों गुड बाय, स्टडी करते रहिए, ऑल द बेस्ट, और ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।